सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्म हूँ। संसार क्रांति न्यूज की देसी चुनावी यात्रा पहुंच गई है सोनीपत में। सोनीपत विधानसभा सीट है क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता आड़ तकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार की मैं बात करूं तो सुरेंद्र पवार, तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ ज्योति टाइपिंग सेंटर। तो मेरे तरफ से जानकारी, बाहर गाड़ी खड़ी है नेताजी की, दिखाइए ऊपर, बाहर गाड़ी खड़ी है। तो बाहर गाड़ी खड़ी है और नेताजी ऊपर हैं और टाइपिंग सेंटर में पहुँच रहे हैं। देखा चलो क्यों रहे ऊपर आज मेरे गलत देसी भिड़ंत में। राम राम भाई, राम राम जी। खड़े सी का रास्ता भाई, राम राम जी। नेताजी सुरेंद्र पवार जी, राम राम। नेताजी राम राम। थोड़ा लाइट में आज उन्हें चलो उधर। आपने निमेट लिया कि तो आपका काम है। अच्छा अच्छा चलो जी। तो नेताजी से देसी भिड़ंत में स्वागत है भाई सारे का। बैठो नेताजी। मैं तो बाहर गुआड़ को लिखना लग रहा था जी, गाड़ी खड़ी दिखी मैं नेताजी पाऊंगे ले लिया रेडार पे। पहले तो राम राम करते जी मेरे पास। आपको बहुत बहुत राम राम जी। कोचिंग सेंटर, ड्राइविंग सेंटर, टाइपिंग सेंटर, इसे सेंटर बन जाए बात जी। बिल्कुल बन जाए क्योंकि यहाँ भी जो विद्यार्थी हैं सब वोटर हैं और मैं सबके पास अपने लिए वोट की अपील करने यहाँ पहुँचा था और सभी से मैं मिला, अपनी बात रखी और सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, युवा वोटर का थोड़ा और भी फर्क पड़ता हुआ। एक युवा की जब सोच बदले तो कई जगह उसका प्रभाव दूर दूर तक जावा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ही बोल का आयोगे क्या कुछ कहे आपने? मैंने उनको यही बताया है कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की बनने लग रही है और कांग्रेस की सरकार में ही ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी। तो मैं इनसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया कि मुझे सोनीपत से जिताकर भेजें। और सोनीपत तो वैसे भी आज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अगर यहाँ मेहनत की जाती, कोशिश की जाती मंत्री जी द्वारा, तो हजारों की संख्या में लोग उद्योग लगाने के लिए आने को तैयार थे। पवार साहब ये आशीर्वाद वाले रीस करोगे खट्टर साहब की, वो जो आशीर्वाद लेते फिर दे? नहीं नहीं, आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि जो वोटर कैंडिडेट को एक जीत का आशीर्वाद देता है, तो ये शब्द जो है कॉमन शब्द है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि वो खट्टर साहब की अपनी कॉपीराइट नहीं है किसी का। ना ना ना। तो फिर के बोले बच्चे के बोले? नहीं, सभी बच्चों ने पूरा हाथ उठाकर ये विश्वास दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। तो कितने लोगों को मिल लिया? तो कयामत की रात है कि और काउंट डाउन शुरू हो रहा है, बोला घनी गेरी थोड़ी रही। तो के कुछ लाग गया जी? बनूर के लाग गए लागे न्यू है हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें सोनीपत विधानसभा में मैं सबसे ज्यादा वोट मार्जिन जीतूंगा। 90 की 90 में सबके ज्यादा वोट मार्जिन, बड़ी जीत का दावा करवा। इसकी पोल खुल जाएगी 24 ने, आप पूछेंगे आगे नतीजा चाहे कुछ भी आपका पूछना मैंने जरूर आगे। नहीं नहीं, आना भी जरूर है, जरूर आना, जरूर आना। और दूसरी बात मैं बताऊं जी, देखो भाई बात है, वो तो सारे अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं भाई, मामावांगे सत्ता मामावांगे, और रोज उपरा तली हो रहा है, तरतोले खा रहा है सट्टा बाजार भी, कोई नो हो जाए कोई नो हो जाए। तो इब आप लोगों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि आपका गलियारा तो दूसरा भी रहा है पहले, इनाल वाले चश्मे में कभी लिकट रहे हो आप, तो वो तजुर्बा भी इकट्ठा हो रहा है, वो तजुर्बा काम आओगा कि अड़चन लाओगा? देखियो देखना, बात ये है तजुर्बे की जो बात कही, तजुर्बे की बात तो ये है कि जितने ज़्यादा, जैसे मान लो मैंने 5 साल पहले चुनाव लड़ा तो उसका भी तजुर्बा ही हुआ है, तो तजुर्बा काम तो आता ही है आगे। और जो वोटर जब मैं इंडियन नेशनल लोकदल में था, जो मुझसे जुड़ा हुआ था, वो मुझसे आज भी जुड़ा हुआ है, 30,000 लोग मुझे उस टाइम लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को भी 30,000 ही दिए थे। तो मैं क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूँ तो 60,000 रुपये तो मैं खड़े हूँ। उसके बाद मतलब शुरुआत 60,000 तो हुई है। अपनी टक्कर किस तरह मान रहे हो? मैं तो कभी टक्कर मानने ना रहा, मैं तो एक तरफा मान रहा हूँ। बोला कॉन्फिडेंस तो देखा, कॉन्फिडेंस इन को है, कॉन्फिडेंस का सुता है। बोला आपने गलत, मतलब टक्कर आपकी किसे कर ली, आप तो एक तरफा जीत रहे हो। अच्छा जब दूसरी पार्टियों की बात करें, सारे पार्टी वो कर रहे हैं अपने अपने, जब कांग्रेस की आप कांग्रेस में हो, इनालो वाला की, जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये बीजेपी वाले नो कहे बोला माम 75 पा रहा। बिल्कुल देखिए, बीजेपी वाले इस बात पर तो बिल्कुल सच्चे खरे उतर रहे हैं, 75 पार। उन्होंने कहा अब की बार 75 पार, टमाटर 75 पार, प्याज टमाटर 75 पार,
सेब तो सस्ती हो रही है, सेब तो सस्ती है। सुनो ये मतलब पूरी सुनो, पेट्रोल भी जितने बार, डॉलर भी जितने बार, और बेरोजगारी भी जितने बार, और क्राइम भी जितने बार। अरेगा तो थराले नुकन लगे की बार 75 बार ये नाले ने को पहले 75 बार ये और जोड़ रखे आपकी बार, ये जमना बार, अब की बार ये विधानसभा से बाहर। चलो जी ये तो नू है, तो इलेक्शन की डमडमा शुरू हो रहा है, गहमा गहमी शुरू हो रही है, बेरा पड़ जाएगा थोड़े दिन में। तो ये बहती गंगा में हाथ धो लो, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं लाखों की संख्या में, गल अगले शेयर कर दे रही हो भाई। और सोनीपत विधानसभा में इस टाइम बैठे हैं, जो जनता का संदेश छोड़ना चाहते हो? मैं सोनीपत की जनता को, सोनीपत के सभी वोटरों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो सोनीपत की विधायिका जो मंत्री रही है सोनीपत से, एक भ्रष्ट कार्यकाल उनका रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है सोनीपत में। इतना वो एक न्यू का कारण कि पूरा हाथ खोल गया, इतना खोले है। और जब पूछ जो पूछ भी लो क्या भ्रष्टाचार फैलाया है, यदि स्थानीय शहरी विकास मंत्री थी है तो जो महकमा भी उसके अंडर आओ था, कमेटी का, कॉरपोरेशन का, महीने भर दो, हर महीने दो मंथली ये अधिकारी ने खुल के बोलिया है। अरे भ्रष्टाचार यो है, अगर डांगर अवरा डांगर पकड़ने के पीछे खागी, बंदर पकड़ने के पीछे खागी, बंदर पकड़ने के भी भ्रष्टाचार, बंदर पकड़ने का भ्रष्टाचार पहली बार आया नेताजी का भाई, या मैं नहीं कह रहा नेताजी का दावा। और अगली बार सुनो, डांगर पकड़ने के पीछे खागी, बंदर पकड़ने के पीछे खागी, कुत्ते पकड़ने के पीछे खागी, और मच्छर मारने के पीछे खागी। मच्छरा में भी भ्रष्टाचार, मच्छरा में ये होता था कि हर साल जो बरसात के दिनों में जो मच्छर होया करते ना, तो मच्छर मारने की दवाई छिड़किया करते, तो इन्हें कागजा तो छिड़क रखी है, पर शहर में छिड़की नहीं, दुनिया भर के लोग बीमार हुए। मच्छर सुनने अंडे मच्छर दो खुले अंडे, मच्छर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मच्छर मारने के पीछे खागी। इन्हें ना छोड़ा कितने दे भी कोई मतलब कितने चौनिया ठनिया कितने जुगाड़ दिखे उड़े अपना खा गए, मतलब दोनों पति पत्नी लाख। अरे नजदीक सी महागवाना भी है, और मातू वाली जलेबी पर एक सीधा सवाल ले लूं? हां बिल्कुल, सीधा सवाल नु है, बीजेपी में टिकटमबाजी की तिकड़मबाजी का तो घणे कटिया काटते थे, नु थराल में भी कटिया काटते थे, इवनू नहीं बेरा बेटा कि बोला कहीं पे नहीं गाहे कहीं पे निशाना, क्योंकि जी बीजेपी की टिकट बटी उसके बाद हो बहुत सा फैसला, तो हुए तो अपने मतलब उस चीज पर लग रहे हैं जो डैमेज कंट्रोल। थराल में भी थोड़ा तो कटिया कट रहा था, भी मन टिकट चाहिए कांग्रेस की, मन चाहिए, तो हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, वो तो लग रहे रोज। देखो टिकट मांगने का सबका अधिकार है, हाँ। जिसका न्यू एक राजनीति का चस्का हो ना, ये राजनीति करनी है तो हाँ, तो हर एक आदमी टिकट मांग ले है, किसी का छोटा कीड़ा किसी का बड़ा कीड़ा, किसा भी टिकट, आपका छोटा का बड़ा, मैं मेरी सुन तो लो, मैं हूँ समाज सेवी, हाँ पहला समाज सेवी हूँ, पानी के आपके चलेंगे। बिल्कुल, जो पानी के घंटे भी मतलब समाज सेवा जो उसके मैं करण ला रहा हूँ, जो एक सही में समाज सेवा चाहिए होनी चाहिए वो करण ला रहा हूँ लगातार। तो मैंने फिर न्यू सोचा मगर चलो समाज सेवा के लिए थोड़ी राजनीति में भी पाप फसा लें, और जो थोड़ी सी लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उकसाया दिए राजनीति करो ना, ना लोगों ने कितनी उकसाया, लोगों ने न्यू कहा है अभी जी और ज्यादा सेवा हो जाएगी, उकसाना एक अलग बात है और सलाह देना एक अच्छी बात है। सलाह दी थी वह, सलाह दी है, वो सलाह में राजी के तंग पर हो ना, ना बहुत राजी है और मजा आ रहा है, मजा रहा। मैं डैमेज कंट्रोल की पूछ रहा था, कर लिया मैं बताया ना, डैमेज कंट्रोल कुछ सही नहीं है, सारे के सारे अपना मेहनत वाला बीजेपी का हो गया डैमेज कंट्रोल ना, उनका नहीं होया, वो तो उससे रुसा बनाई में लाग रहे हैं, स्टेट किट लेकर चल रहे हो पट्टी पट्टी, वो तो नहीं लाग रहे हैं। बाकी हमारा काम तो जो है, अगर जो सच्चा कांग्रेसी है वो कांग्रेस के साथ है, मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% एक तरफा, एक तरफ है भाई, हिलोरे तो ले रहे हैं, ईब के वो कह रहे हैं ना 75 पार, उनको जमुना पार पहुंचा देंगे। चलो जी, बिल्कुल सही बात, चलो नेताजी के साथ हमने देसी भिड़ंत करी और सवाल पूछे खाटे मीठे तीखे कड़वे, जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मीठे।